आईईडी बॉम्ब, आईईडी ब्लास्ट, ये सब कुछ ऐसे टर्म हैं जो कि आप भारत में समय समय पे सुनते रहते हैं। कभी हमारे जवानों पे पुलवामा में आईडी ब्लास्ट किया जाता है, तो कभी केरला का कन्वेंशन सेंटर उड़ा दिया जाता है। यानी समय समय पे हमको इनके बारे में सुनने मिलते ही रहता है। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये आईडी होता क्या है, आईडी बॉम्ब क्या होता है, क्यों इसका इस्तेमाल लोग जो है ना अमूमन करते हैं, और इसके अलावा कोई और बॉम्ब का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, यही क्यों स्पेसिफिकली आईडी ही क्यों, और इससे जुड़ी सारी तमाम जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहे हमारे साथ, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। देखिए, आईईडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, और अगर इसको सरल भाषा में समझें तो यह एक प्रकार का होममेड बॉम्ब है। यानी देसी जुगाड़ लगा के अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके किसी प्रकार से एक बम बना देना जो कि एक सर्टेन टाइप ऑफ एक्सप्लोजन कर सके, सर्टेन टाइप ऑफ एक्सप्लोजन सर्टेन एरिया में एक्सप्लोजन कर सके। इसका पावर कुछ इतना बड़ा नहीं होता है ना कि ये 2-4-10 किलोमीटर उड़ा देगा या 40-50 किलोमीटर उड़ा देगा, एक सर्टेन व्हीकल उड़ा सकता है, सर्टेन बिल्डिंग उड़ा सकता है, बस इतना ही। अलग अलग आतंकवादी संगठनों एवं देश विरोधी ताकतों के द्वारा अलग अलग तरीके से आईडी बॉम्ब को बनाया जाता है। कुछ मिलिट्री कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ अवेलेबल रिसोर्सेज में ही नॉन मिलिट्री कंपोनेंट्स इसे बना दिया करते हैं। अब मैं इसका कैसे बनाता है, क्या इसका कंपोनेंट लगता है, ये तो नहीं बता सकता, क्योंकि बताऊँगा तो मैं ही जल जाऊँगा। पर सिंपल से समझिए कि कुछ भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, चाहे वो बारूद हो, TNT हो, फर्टिलाइजर्स हो, कुछ भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल करके आईडी बनाया जा सकता है। और अमूमन देश विरोधी ताकतों के द्वारा इसी का इस्तेमाल करके आईडी बनाया जाता है। अब सवाल उठता है क्यों हर बार आईडी ही क्यों। तो सबसे पहला कारण तो भाई कि इसको बनाने में खर्च बहुत कम लगता है। दूसरी चीज़ कि इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ता है, जहाँ मन चाह तहाँ बना लो इसको, जहाँ पे आपको करना है ना, मतलब ब्लास्ट करना है वहाँ पे भी बन सकता है अगर आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है तो। तीसरी चीज़ कि इसका इफेक्ट भी अच्छा खासा होता है, मतलब इसका इसके द्वारा किया गया डैमेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा होता है। तो ये सब कुछ कारण हैं जिसके कारण आईडी का इस्तेमाल जो है ना अमूमन आतंकवादी संगठन और देश विरोधी ताकतों के द्वारा किया जाता है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि अब कहाँ आईडी ब्लास्ट हुआ, जो आप ये वीडियो देखने आए हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आप हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। धन्यवाद।